हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो कटलेट्स, जो घर में बहुत इजीली बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। उसके लिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिए हैं 2 आलू जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, 2 टेबलस्पून अनियन चॉप्ड, 1 कप ब्रेड क्रम्स, मैंने 2 ब्रेड्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर लीव्स, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं अब रेसिपी को। मैंने आलू को पील कर लिया है, अब मैं आलुओं को ग्रेट कर लूंगी। आपको आलुओं को मैश नहीं करना है, क्योंकि जब आप कटलेट्स बनाएंगे तो आलू के पीसेस मुंह में आएंगे, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आलुओं को ग्रेट कर लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था, आप मिर्च कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, राइस फ्लावर मिक्स करेंगे, सॉल्ट डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, चाट मसाला पाउडर मिक्स करेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे फाइनली चॉप की हुई, लास्ट में हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आप इसे एक डो बना लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना अच्छा बना है। डो को कटलेट की शेप दे देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने हैंड को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर आप डो की स्मॉल बॉल्स बनाएंगे। आप कोई भी शेप की बॉल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक राउंड शेप की बॉल बना रही हूँ और एक ओवल शेप की बना रही हूँ। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे कटलेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। मैंने इसमें 2 शेप बनाई हैं, ओवल और राउंड। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप बना लीजिएगा। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा राइस फ्लावर डस्ट करेंगे। ऐसा करने से कि हमारे जो पोटैटो कटलेट्स हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब वापस एक एक कटलेट को उठाएंगे और हाथों में फिर से रोल करेंगे। ऐसा करने से जो हमने राइस फ्लावर बाद में लगाया था कटलेट्स के ऊपर, वो अच्छे से लग जाएगा। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके हमारे कटलेट्स को डालेंगे। मैं अपने कटलेट्स को 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। पहले हम आधे डालेंगे और फिर दोबारा हम आधे डालेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे हम हमारी गैस की। अगर आप तेज करेंगे तो आपके जो कटलेट्स हैं वो ऊपर से तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर आपकी गैस की फ्लेम बहुत स्लो है तो आपके जो कटलेट्स हैं वो टूट जाएंगे और वो ऑयल ले लेंगे। इसलिए आपको अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और आप इसे बार बार फ्लिप नहीं करेंगे। बार बार फ्लिप करने से भी कटलेट्स टूट जाते हैं। जब तक वो आधे ना सिक जाएं आप उन्हें फ्लिप मत करिएगा। एक बार कटलेट्स को फ्लिप कर लेंगे ताकि कटलेट्स चारों तरफ से इवन सिक जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारे कटलेट्स लाइट ब्राउन हो गए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर भी इन्हें निकाल सकते हैं, पर मैं इन्हें 3 से 4 मिनट और फ्राई करूंगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तीन से चार मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कटलेट्स कितने अच्छे सिके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी।
हमारे पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं। सर्व करेंगे धनिया चटनी और केचप के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट आल्सो। साथ में बेल आइकन दिया है उसे भी दबाइएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।